मैं हादसे का माहौल बना रहा हूं। हमारे जो साथी हैं, हमारा ये भैया, हमारे पुलिस मेंबरान, सब लोग मिलके, क्योंकि हादसे आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। आप सहयोग करेंगे तो ही मैं अंदर से हंसा पाऊंगा, और जो आप दे रहे हैं बहुत मेहरबानी। आइए, एक पुराना गाना है, उस गाने मैंने गलती ढूंढा है। नरेश भैया आदरणीय, आदरणीय ओपी भैया, ये विधायक बेटे हैं, कैसे आप? आप ही को संभाल रहे हैं सर, सब ठीक है ना? चलो बढ़िया है। हाँ, बस तैयारी सही होनी चाहिए। हाँ जी, एक पुराना गाना मैंने ढूंढा है, उस गाने में कुछ गलती ढूंढी, गाने ही गलत लिखा है। अगर सही हो, मेरी जानकारी सही हो तो बताइएगा। पुराना गाना है, हीरोइन कहती है हीरो से, हीरोइन कहती है जादूगर सैया, जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गया दी रात अब घर जाने दो, जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गया दी रात। ये जाने का टाइम है, तुम इतनी देर रुकी काहे रहो? अम्मा को बता के आई हो? और वो पागल इतनी रात को जाने देगा? आप लोग इसमें गलत मत समझिए, आधी रात के बाद क्या है, रिक्शा नहीं मिलते। पहले कैसे गाने होते थे, आज कैसे गाने होते हैं, एक लाइन में बताऊंगा। पुरानी हीरोइन जो होती थी, पेड़ की डाली ऐसे पकड़ लेती थी ऐसे, अब पूरा गाना झाड़ के नीचे खत्म। ऐसा लगता था डायरेक्टर ने हीरोइन के पैर में कीले ठोके हैं, हिली तो फिर एक बाल्टी पानी मुंह पे मारेंगे। पूरा गाना बेचारी झाड़ के नीचे गाती थी। पहला पहला प्यार है, पहला पहला प्यार है, चाई बहार है, पहला पहला प्यार है, चाई बहार है, आजा मोरे पालमा तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। ये थी पुरानी हीरोइन, पुराना गाना। अब यही गाना अगर आज हो मलाइका भाभी पे, तो यही गाना आज कैसे होगा? सातवां आठवां प्यार है, सातवां आठवां प्यार है, छाई बहार है, सातवां आठवां प्यार है, छाई बहार है, आजा मोरे पालमा वरना नवा तैयार। बहुत धन्यवाद। आइए, ये छोटी छोटी कट पीस के बाद अपने पहले आइटम की तरफ बढ़ रहा हूं। पहला क्रिएशन पेश कर रहा हूं, वो भी भैया आपने भी ये नहीं सुना होगा, नया देखते से भैया विनीत ना, नितिन सुनिए, बहुत मजा आएगा। ये घर के लोग हैं या घर के? आपके भी गंजे हैं? ये देखो जा रहे हैं, इसको चाबी भर के छोड़ा किसी ने। बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छी ऑडियंस आपने मुझे दी है, जो भरपूर हास्य का आनंद ले रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। आइए गौरव भाई सर, जब भी कहीं चुनाव आते हैं तो वहां पर वोट बैंक के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाती हैं, वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाती है। पिछले जिन दिनों जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, जब हमारी सपा की सरकार आई, उस चुनाव के पहले मैंने देखा कि यहां गरीब के झोपड़े में, दलित के झोपड़े में बड़े बड़े नेता रात गुजारते थे। रात गुजारने का चलन शुरू हुआ, आपको पता है। तो ऐसे ही गरीब के झोपड़े में, दलित के झोपड़े में रात को 2 बजे दस्तक हुई, बुड्ढी निकली, अरे को है,
अरे कोई ठोके डाल रहा है? अरे अम्मा देखो तुम्हारे झोपड़े में बहन जी आई हैं। हमारी बहन के मरे 10-12 साल हुई गए। तुम्हारी बहन हुई है? नहीं अम्मा, बहन जी मायावती जी तुम्हारे झोपड़े में रात गुजारेंगी। अरे भाई हम सुला लेते, गरीब का घर है, चारपाई हमारे एक है और राहुल गांधी पहले से लेते हैं। बोले अम्मा आप बहन जी को मना कर रही हो, चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, आंगन में सो जाएंगे। चटाई भी तो एक है, अडवाणी लेटे। अब बहन जी ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, किसी ने कहा छत पकड़ लो छत। अब इधर नसीमुद्दीन सतीश मिश्रा सीढ़ी पकड़ के खड़े हैं। बहन जी सीढ़ी चढ़ रही है, सीढ़ी चढ़ी रही थी कि छत से आवाज आई, उत्तर प्रदेश समाजवाद पार्टी महाराष्ट्र। अब हमारा परिवार प्रतिष्ठा, अब हमें किसी ने दरकार है। अब यहां अखिलेश अखिलेश थे, शिवपा शिवपा थे, हमारा पूरा परिवार थे। अब अमर अमर सिंह हमारे पास में थे, चलेगा चलेगा हमें फर्क नहीं पड़ा, हमारे साथ जनता। जय पदा जय जय पदा के औकात का हवा पाते उनको पहचान ले, हवा पार कर जब चले जय हर था वो राज राज बब्बा, राज बब्बा के औकात क्या था? हवा पाते उनको पहचान ले, हवा पार कर अच्छा अगर चले हवा पार ना पड़ो। अब हवा पार कर समाज, अब इस बार हमने पहले से जगह पूरी छीन ली है, अब किसी भी महिला की आवश्यकता अब नहीं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हाजी मैंने कुछ गाने वालों की, सर नितिन जी मैंने कुछ गाने वालों की हरकतें नोट की हैं। ये कैसे गाते हैं, इनका अंदाज कैसा होता है? आपने भी सुना है लेकिन मेरे अंदाज से सोचिए, फिर आपको लगेगा हाँ ऐसा होता होगा। कव्वाली गाने वाले, कव्वाली गाने वाले गाते गाते इतने खौफनाक हो जाते हैं। मेरा दावा, अगर पहली बार कोई कव्वाली प्रोग्राम देखने चला जाए किसी दरगाह में या कहीं भी, मेरा दावा है बेहोश हो जाए। कौन बिजली बिल मांग रहा है? लाइट पूरी दे, मेरा कलर तो ध्यान देखो, गारंटी वाला कलर है मेरा, हर चीज पक्की रखी मैंने। कव्वाली गाने वाले, कव्वाली गाने वाले गाते गाते इतने खौफनाक हो जाते हैं। झोली क्या मेरे मौला, लौट के मैं ना आऊंगा खाली, के भरते झोली, के भरते झोली। अल्लाह ऊपर से बोले क्या मांग रहा है, इसको जल्दी दे। ऐसे आदमी को इंतजार मत कराओ, डरा दिया। गजल गाने वाले, गजल वालों को मैंने देखा है, जैसे ही ये मंच पे आते हैं और इन्होंने जैसे ही 150 रुपए का शॉल ओढ़ा और हारमोनियम पे हाथ रखा, ऐसा लगता है इनसे ज्यादा मीठा आदमी दुनिया में कोई नहीं। और इतने तमीज में आ जाएंगे, आवाज को भी और भारी कर लेंगे, बेस बेस में बोलते। खवातीन हजरत पेशे खिदमत है।